यहाँ पर जिस वीडियो में बात करने वाले हैं यामा कंपनी के एरोक्स 155 जो एस वेरिएंट है। एस वेरिएंट क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको स्मार्ट की मिल जाएगा, एंसोर बैग इसका फीचर होता है, इसके बारे में अभी आपको आगे जानकारी देंगे। तो एरोक्स खरीदने के लिए आपके पास कितना बजट होना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और इसमें फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो क्या यामा की तरफ से ऑफर्स चल रहे हैं, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप लखनऊ से बिलोंग कर रहे होंगे, यामा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, तो लखनऊ ऑटोमोटिव यामा शोरूम पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का जो एड्रेस है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि जगरानी हॉस्पिटल के अपोजिट साइड रिंग रोड पे शोरूम है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आइए डिटेल में बात करते हैं, जो एरोक्स मिलती है, जो एस मॉडल आता है, इसमें क्या कुछ आपको फीचर्स, इसमें परफॉर्मेंस कैसे मिल जाती है। मैक्सी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने के लिए सोचे होंगे जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, तो ये आपकी पसंद बन सकती है। अब आइए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके की से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है, तो ये की आपके पास होगा तो बिना की लगाए आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और की को जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो एंसर बैक आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो कुछ ऐसे देख सकते हैं, ब्लिंक करते हैं। तो की का ये फंक्शंस होता है, कीलेस एंट्री मिल जाता है, चाबी लगाने जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कीलेस एंट्री मिल जाएगा। सबसे पहले कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन के साथ मिल जाता है, आप सिल्वर देख सकते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको ब्लू कलर भी मिल जाएगा। एस मॉडल की बात कर रहे हैं, बाकी जो लुक और डिज़ाइन है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो फ्रंट से लुक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट के ऊपर काउल छोटा सा मिल जाता है, ब्लू कलर की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। और यहाँ पे जो इसका ब्रेक्स देखेंगे तो आपको काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है, जो कि आपको एल्युमिनियम के साथ देखने को मिल जाएगा। जो मिरर्स है आप देख सकते हैं कुछ इस डिज़ाइनिंग के साथ मिल जाती है। फ्रंट एप्रन पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है, तो फ्रंट से जो इसका ओवरऑल लुक है देख सकते हैं। यहाँ की ब्रांडिंग यहाँ दी गई है, सिल्वर फिनिश के ऊपर ब्लैक कलर का दिया गया है, यहाँ पर भी आपको गोल्डन स्ट्रिप मिल जाती है, और यहाँ पे एरोक्स लिखा हुआ मिल जाएगा। तो और नीचे एक साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको DRS मिल जाती है, बाकी हेडलैम्प यूनिट आप देख सकते हैं LED के साथ मिलता है। फ्रंट में जो सस्पेंशन दिया गया है टेलीस्कोपिक दिया गया है, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है। और फ्रंट का जो फेंडर है आपको यहाँ पे फाइबर बॉडी के साथ मिलेगा, सिल्वर फिनिश के साथ। जो व्हील्स दी गई है काफ़ी बड़े व्हील्स मिलते हैं, और व्हील का जो कलर है आपको गोल्डन कलर के साथ मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 155 लिक्विड कूलिंग के साथ आती है, आपको ऐसे ग्राफिक्स मिल जाएगी, और यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसका साइड से लुक है यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्पोर्टी लगता है, 155 cc में मैक्सी सेगमेंट में, स्पोर्टियर सेगमेंट में आती है, तो ओवरऑल जो इसकी लुक और डिज़ाइनिंग है देख सकते हैं। यहाँ पे हालांकि फ्लोर बोर्ड वगैरह नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे जो दिया गया है ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लीड मिल जाता है, अभी ओपन करके आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे साइड में देखेंगे तो एरोक्स यहाँ पे VVA के साथ ये भी आती है, जो कि RN5 में आपको देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। वर्जन S यहाँ पे लिखा हुआ आपको ऐसे मिल जाएगा गोल्डन कलर के साथ। और यहाँ पे जो फुट पोजिशन है देखेंगे तो आपको काफ़ी कम्फर्टेबल मिल जाता है, और पिलियन के लिए फुटरेस्ट एल्युमिनियम के साथ दी गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर के पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लिक्विड कूलिंग चूँकि यहाँ पे रेडिएटर कवर है अंदर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग के साथ के लिए रेडिएटर मिल जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम भी मोटरसाइकिल टाइप में इसमें दिया गया है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे फाइबर के बॉडी मिल जाएंगे। रियर का जो सस्पेंशन है यहाँ पे आपको ट्विन शॉक का सस्पेंशन मिल जाता है, मोनोट्यूब आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिलते हैं, जिससे कि आपको कंफर्टेबल राइड मिल सके, खराब रोडों पे भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। जो सीट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो लेवल की सीट मिल जाती है, जिसकी कुशनिंग आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पीछे साइड आपको 155 की ऐसे ब्रांडिंग दी गई है, तो टेलीम डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पतले डिज़ाइनिंग के साथ मिल जाती है। नीचे नंबर प्लेट के लिए हेलोजन में लाइट दी गई है, इंडिकेटर आपको बल्ब में मिलेगा, पीछे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है, काफ़ी पीछे तक ऐसे LED दिया गया है। दूसरे साइड से भी जो इसकी डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स है यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो इंजन के ऊपर भी आपको ऐसे प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेन स्टैंड भी इसमें दिया गया है, और साइड स्टैंड भी मिल जाता है। इधर से भी जो राइडर्स के लिए फुट पैक्स है वो देख सकते हैं, आगे अभी बैठ के भी दिखाएंगे कैसा लगता है बैठने के बाद। तो ओवरऑल इसकी जो लुक और डिज़ाइनिंग है एरोक्स 155 की, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 155 cc का लिक्विड कूल 4-वॉल्व यहाँ पे इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया मिलती है। इसमें आपको 8000 RPM पर 15 PS का पावर और 6500 RPM पर 13.9 Nm का टॉर्च इन करती है। साथ ही यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर के साथ आपको मिलेगा, E20 फ्यूल कैपेबल है। तो यहाँ पे जो 155 cc में जो मोटरसाइकिल आती है उतना आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाती है, हालांकि RN5 जितना पावर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया पावर मिल जाती है। स्कूटर सेगमेंट में सबसे बढ़िया पावर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो टायर साइज़ है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो टायर है काफ़ी बड़े टायर्स मिल जाते हैं, 14 inch के टायर्स दिए गए हैं। लेकिन जो टायर का पैटर्न है तो यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो आपको 110/80 यानी कि 110/80 का 14 inch के टायर्स मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि आपको निसिन के आपको यहाँ पे कैलिपर्स देखने को मिल जाएगा। और इसके फ्रंट में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है,
और रियर के साइड भी आपको यहाँ पे 14 इंच के टायर्स मिलते हैं। और रियर का जो टायर का साइज़ है आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट के टायर्स लगे हुए हैं। रियर के साइड आपको 140 बाई यहाँ पे 70 का टायर मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 140 बाई 70 का 14 इंच के टायर्स दिए गए हैं। पीछे का जो चौड़ाई है देख सकते हैं। रियर के साइड हालांकि इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया, जो कि आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। तो केवल सिंगल डिस्क के साथ आती है। फ्रंट में केवल आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके फीचर्स वगैरह की बात करिए तो इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS भी मिल जाता है, जो कि ये फीचर्स काफ़ी बढ़िया है। सेफ्टी के लिए आपको ABS सिस्टम भी मिल जाता है। इसके अलावा जो इसके DRS की डिज़ाइनिंग है वो आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसे पतले डिज़ाइनिंग की DRS यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और नीचे भी यहाँ पे DRS दी गई है। तो DRS की जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग है वो आप फ्रंट से यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS मिल जाता है, LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो इसका मीटर कंसोल है आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले में जाता है। कनेक्टिविटी फीचर के साथ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऊपर क्लॉक की जानकारी मिल जाती है, स्पीड, और यहाँ पे नीचे फ्यूल की जानकारी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा इसमें और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अगर बात करें तो इसके अलावा इसमें जो टॉगल बटन दी गई है वो आपको यहाँ पे आगे साइड देखने को मिल जाएगा। तो इसको टॉगल करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप की जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन आपको मिल जाएगा, ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑडोमीटर, ट्रिप, ट्रिप टू और ये सारी जानकारी यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अलावा बैटरी की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जब बंद करके चालू करेंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऊपर साइड देखेंगे और यहाँ पे यामाहा मोटरसाइकिल यानी कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ आएगी, कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल की जो डिज़ाइनिंग है वो ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे टॉगल बटन दिया गया सबसे आगे आप देख रहे हैं, जिससे कि आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलैम्प हाई बीम स्विच मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच दिया गया है जिससे कि इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। अब ब्लिंकर्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा यूनिक फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा नीचे की साइड यहाँ पे हॉर्न दी गई है, तो एक बार हॉर्न सुन लेते हैं। दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाएगा। और यहाँ पे हजार्ड का फीचर दिया गया है जिससे कि इसके जो चारों ब्लिंकर्स हैं वो कुछ ऐसे ऑन हो जाते हैं। तो इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो आप देख सकते हैं। और नीचे की साइड इसमें साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे की इग्निशन देखेंगे तो यहाँ पे कीलेस एंट्री मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूल और सीट यहीं से ओपन कर सकते हैं। तो फ्यूल लीड पे आप प्रेस करेंगे तो इसका फ्यूल लीड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। E20 फ्यूल कैपेबल है और इसको सिंपली आप बंद कर लेंगे। इसके अलावा इसमें फ्रंट में यहाँ पे स्टोरेज भी दिया गया है, ग्लोब वगैरह रख सकते हैं और अंदर साइड आप USB पोर्ट भी लगवा सकते हैं। तो ये भी फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है। और इसके अलावा जो इसकी सीट है वो ओपन करते हैं तो इसमें आपको इसमें सीट के नीचे स्टोरेज देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। 24.5 लीटर का इसमें स्टोरेज दिया गया है जहाँ पे आप हेलमेट वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो स्पेस भी इसमें आपको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाएगी। वो इसके माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी टॉप इन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। 155 CC के साथ आती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पीड भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ डायमेंशन वगैरह अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm तक है। सीट के हाइट यहाँ पे 790 mm है। अभी बैठ के भी आपको दिखाएंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 5.5 लीटर दी गई है जो कि फ्रंट में फ्यूल यहाँ पे भरवा सकते हैं। और इसका जो वेट है वो लगभग आपको 126 kg तक देखने को मिल जाती है। बाकी जो एरोक्स 155 आती है इसकी जो सीट हाइट है लगभग 790 mm है और मेरी जो हाइट है 5'6" 7" है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड तक इजीली पैर जाते हैं, यहाँ पे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल जो इसका सीटिंग पोस्चर वगैरह है वो भी देख सकते हैं। और मेरे जितना आपका हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5'5" है, 4" है, 5'4" है, तो भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका जो ओवरऑल जो सीटिंग पोस्चर देख सकते हैं, हैंडल बार्स थोड़ा सा पास मिल जाते हैं जिससे कि हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया इसकी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका ओवरऑल जो सीटिंग पोस्चर देख सकते हैं, फ्लोरबोर्ड पे आप स्पेस देखेंगे तो भी बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पे फ्लोरबोर्ड तो अंदर साइड नहीं मिलता लेकिन जो फुट पोजिशन दिया गया है वो आप देख सकते हैं। ट्रैफिक में भी अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कम्फर्टेबल राइड इससे मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो इसकी सीटिंग पोस्चर वगैरह है वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। वो इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसके जो एक्स्ट्रा मुतबर प्राइस है एरोक्स 155S मॉडल 1,52,500 यानी कि 1,52,500 रुपये तक है, जिसकी ऑनो प्राइस लगभग 1,82,000 यानी कि 1,82,000 के आसपास चली जाती है। तो अगर आपको बजट इतना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं 155 CC में।
स्पोर्टी सेगमेंट मैक्सी आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाती है। बाकी इस रिलेटेड आपके मन में कोई और भी डाउट होगा इस रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। लगभग जितने फीचर्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।